हेलो टू एवरीवन, जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब हम आज चर्चा करेंगे इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में। इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, इस पर क्या प्रोसेस है। इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म तो इसके पहले का लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बताया गया, उसमें भी आपने इन्वर्स पढ़ा। फूरियर ट्रांसफॉर्म के बताया गया, उसमें भी आपने इन्वर्स पढ़ा। और ये तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, जेड ट्रांसफॉर्म। इस जेड ट्रांसफॉर्म का भी इन्वर्स आपको बताया जाएगा कि कैसे उसमें आप इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को आप निकालते हैं। नाउ अब आप ध्यान दें, इस इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए जो आपको मेथड प्रिस्क्राइब किया गया है सिलेबस में, वो दो मेथड है जिससे आप किसी भी गिवन फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड binomial expansion, partial fraction and binomial expansion, and the second method is by residue method. दो important है और आपके सिलेबस का पार्ट है। आपका जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड इसके साथ एक कंडीशन है, इस मेथड के तहत जो प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दूसरी चीज, इस एक्सपेंशन को समझने के लिए हमको क्वेश्चन में रीजन क्या होगा। रीजन यदि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में रीजन की करके पूछा है कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आप एन करें, देन आपको इसका जो मेथड है यूज करना पड़ेगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उस गिवन पर्टिकुलर रीजन में वो कोड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसकी जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते। अब कैसे किसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है ये आप समझ लें। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक चीज अपने मेमोरी में बड़ा कंसंट्रेट करके अपने उसमें आप रख लीजिए कि जब भी आप इस पहले मेथड में यूज करेंगे तो कुछ रिविजन दिए होंगे लाइक दिस, और जब आपको इस टाइप से कोई रीजन दे रहा हो तो आप ध्यान देंगे, जैसे इस रीजन को ध्यान दें तो इस रीजन में आपके पास ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जेड इज लेस देन ए, यानी वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए जेड, वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन जेड। सो हम उस गिवन पार्शियल फ्रैक्शन से जो हमको टर्म मिले रहेंगे उसमें से हमको कांस्टेंट को बाहर करना है, यानी आपको कुछ इस टाइप से फंक्शन को क्रिएट कराना है। ए जब कॉमन होगा तो मैग्नीट्यूड जेड बाई ए इज लेस देन वन। एंड यदि इस तरीके का रीजन दिया है तो इससे आपको जेड को कॉमन करना होगा और देन आपको ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। ध्यान रखिएगा दोनों ही चीज में, देखिए वन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर साइड में है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। तो ये आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर रीजन के बेसिस पर इस चीज को मेंटेन करना है। इन अनदर वर्ड हम ये कहें कि जो भी आपको कंडीशन दिया होगा उसमें जो ज्यादा होगा, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वैल्यू ऑफ जेड हो, उसको हम कॉमन करके बाहर करेंगे एंड देन उस पार्शियल फ्रैक्शन को
बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं कि देखते हैं कैसे किसी क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आप टेन करते हैं कैसे उसका हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस कंसीडर, क्वेश्चन है आपका फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफार ऑफ वन अपॉन जेड माइनस थ्री जेड माइनस टू इन द रीजन फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज लेस देन टू, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज लेस देन टू। सेकेंड रीजन टू इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज लेस देन थ्री एंड द थर्ड रीजन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन थ्री। ये आपका तीन कंडीशन है जिसके इस तीन रीजन के पर आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो अब हम यहां ध्यान से इसको समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में तीनों कंडीशन पर हम बता रहे हैं कि तीनों ही केसेस में कैसे कैसे इसमें चेंजेस आएंगे। तो बी केयरफुल, सारे क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको निकालना है z इनवर्स ऑफ 1 अपॉन z माइनस थ्री z माइनस टू। इट मीन्स कैपिटल एफ जेड की जो वैल्यू है दैट इज z माइनस थ्री z माइनस टू। तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हमको ब्रेक करना है, तो हम यहां पर ऐसे लिख लेंगे जेड माइनस थ्री जेड माइनस टू, तो ए अपॉन जेड माइनस थ्री प्लस जेड माइनस टू। सो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ए जेड माइनस टू प्लस बी z माइनस थ्री। बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन तो डिनोमिनेटर इज सेम, सो वन इज इक्वल टू ए z माइनस टू प्लस बी z माइनस थ्री, दिस बी इक्वेशन नंबर वन। और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में आपने ये पढ़ा होगा कि जब आपके ये पोल जो आपके रूट हैं वो डिफरेंट हैं तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट टू तो z इक्वल टू, सो दिस टर्म इज जीरो एंड माइनस ऑफ b, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस ऑफ वन। अगेन सब्स्टिट्यूट जेड इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन वी हैव वन इज इक्वल टू ए एंड दिस विल बी जीरो, सो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू वन। नाउ by partial fraction method fz it means 1 upon z minus 2 z minus 3, this be equal to a ki value hai 1 to 1 upon z minus 3 minus of 1 upon z minus 2, this be equation number। ये हमने
जो हमारा गिवन फंक्शन था z माइनस 3 इंटू z माइनस 2, उसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हमने सॉल्व किया एंड वी ऑब्टेन द इक्वेशन नंबर 2। ये काम आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ब्रेक करने का, जो भी रीजन देके क्वेश्चन होगा सब में आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा हो सकता है कि जो आपका फंक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस हैं, चार केसेस हैं, उन चार केसेस में से किसी एक केस में एग्जिस्ट करता हो, तो जिस केस में एग्जिस्ट करेगा उस केस की तरह इसका सोल्यूशन हम आपके इन करेंगे। नाउ अब हम आते हैं अपने कंडीशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन इज मैग्नीट्यूड जेड इज लेस देन 2। तो सी इट, पहली कंडीशन ये कहता है कि मैग्नीट्यूड जेड इज लेस देन 2। इट मीन्स कि जेड के कंपैरिजन में जो 2 है यानी कांस्टेंट टर्म है दैट इज ग्रेटर। सो अपने इक्वेशन 2 में हम जाएंगे और इक्वेशन 2 में जहां जहां उसमें कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, केवल 2 को नहीं कांस्टेंट टर्म को, जो भी जिस पार्ट में जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमारा बाहर हो जाएगा। सो 1 अपॉन z माइनस 2 z माइनस 3 दिस बी इक्वल टू, यहां से 3 कॉमन कर लें, 1 अपॉन 3 z बाई 3 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 कॉमन हो गया z बाई 2 माइनस 1। यदि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप जो भी चीजें जानते हैं दैट इज 1 माइनस एक्सपेंशन होता है आपका x माइनस 1 है, सो माइनस साइन भी हम कॉमन कर लें, सो इट विल बी माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 1 अपॉन z बाई 3 माइनस 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 2 1 माइनस z बाई 2। सो दिस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 1 ऑफ माइनस z बाई 3 टू पावर माइनस ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 माइनस z बाई 2 टू पावर माइनस 1। बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने ये ऐसा कर लिया। ध्यान दें जो इक्वेशन 2 है उसमें से कांस्टेंट टर्म को आपने बाहर कर लिया, तो ये लिया। सो एक्सपेंड दिस टर्म बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन वी हैव माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 1 प्लस z अपॉन 3 प्लस z स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 1 माइनस z अपॉन 2 z बाई 2 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने एक्सपेंशन कर लिया और आपको ये टर्म आप तीन हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब यहां से हम सीक्वेंस कैसे लिखेंगे। सो अब इस कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट का, तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 z अपॉन 3 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब एंड सो ऑन एंड प्लस 1 अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस z अपॉन 2 का क्यूब एंड सो ऑन। ना इतना काम तो आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, इस क्वेश्चन में करना है, सारे क्वेश्चंस में करना है आपको। देन अब आप यहां से डिसाइड करेंगे कि कैसे अब इसको हम सीक्वेंस को ऑब्टेन करें।
तो ध्यान रखिएगा कि जैसे हम जेट ट्रांसफॉर्म जब करते थे तो समेशन लेते थे और समेशन में के की डिफरेंट वैल्यू को रख करके उसको एक्सपेंड करते थे। यहां पर जेड के टर्म में ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, यानी आपको इस वाले पार्ट को समीशन के फॉर्म का लिखना है, समीशन के फॉर्म। तो कैसे समीशन में लिखा जाएगा भाई, यही यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको यही समझना है कि इसको हम समीशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो ध्यान दें आपके इस सीरीज एक्सपेंशन में एक कांस्टेंट अपीयर हुआ है जिसके साथ जेड का कोई पावर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जेड का पावर जीरो है। इट मींस यह सीरीज एक्सपेंशन जीरो को कंटेन कर रहा है, यानी के इक्वल टू जीरो के टर्म को कंटेन कर रहा है। सेकेंड थिंग, ऑल द वैल्यू ऑफ जेड, ऑल द वैल्यू ऑफ जेड इन दिस सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट इन द अपर साइड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको बताया था कि जेड ट्रांसफॉर्म जब किसी फंक्शन का आप करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म, तो उस जेड ट्रांसफॉर्म में आपका जेड न्यूमिनेटर में होगा, वो तभी पॉसिबल है जब वैल्यू ऑफ के इज निगेटिव। इफ द वैल्यू ऑफ के इज पॉजिटिव देन द जेड एग्जिस्ट इन द डिनोमिनेटर, बट व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज निगेटिव द जेड एग्जिस्ट इन द न्यूमिनेटर। सो इस समेशन को, पहले समेशन को हम लिख सकते हैं समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू k इक्वल टू जीरो। जनरली आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया था जेट ट्रांसफॉर्म में, उसमें आपने यही देखा था कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक जाता था, बट वहां कांस्टेंट अपीयर नहीं होता था। बट इन दिस सीरीज एक्सपेंशन कांस्टेंट अपीयर हो रहा है, सो आपके इस समेशन की जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से जीरो जाएगी, और इसी तरीके से आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सीरीज एक्सपेंशन को देख करके इस समेशन को बनाना है। इफ द जेड एग्जिस्ट इन द न्यूमिनेटर पार्ट, इट मींस की वैल्यू ऑफ के इज नेगेटिव। इफ जेड एग्जिस्ट इन द डिनोमिनेटर, इट मींस की वैल्यू ऑफ के इज पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन का, तो के की इस डिफरेंट वैल्यू के लिए जब आप जेड ट्रांसफार्म में जाते हैं तो इतना तो निश्चित है कि जेड का जो पावर है, जेड का पावर इज निगेटिव, जेड का पावर निगेटिव हो गया, के की वैल्यू निगेटिव हो गई, तो निगेटिव निगेटिव प्लस कर दिया, ऑल द वैल्यू ऑफ जेड इन न्यूमिनेटर। अब आप सीक्वेंस पर ध्यान दें कि सीक्वेंस यहां क्या होगा, ताकि जब के इक्वल टू जीरो रखा जाए तो हमको वन बाई थ्री मिले, जब के इक्वल टू माइनस वन रखा जाए तो जेड अपॉन थ्री स्क्वायर मिले, तो इट विल बी वन अपॉन थ्री टू पावर के माइनस वन, के प्लस वन, सॉरी के प्लस वन। माइनस के प्लस वन, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट के इक्वल टू जीरो दिस विल बी वन अपॉन थ्री, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस वन टू, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट के इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस, टू प्लस वन थ्री एंड सो ऑन, प्लस प्लस। इसी तरीके से आपका यहाँ पर डिफरेंस क्या है, आपका थ्री की जगह टू है, k
के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू के इक्वल टू जीरो वन अपान टू टू पावर माइनस के प्लस वन जेड पे पावर माइनस ऑफ के। सो इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही समेशन में देखें तो लिमिट सेम है। सो समेशन एक साथ कॉमन कर सकते हैं, दैट इज के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू के इक्वल टू जीरो एंड माइनस थ्री टू पावर के माइनस वन एंड प्लस टू टू पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो k माइनस वन जेड पे पावर माइनस ऑफ k, जेड पे पावर माइनस ऑफ k। तो ये आपको मिल गया क्या चीज, तो इन टर्म्स ऑफ समेशन ये आपने इसका लिख लिया z माइनस थ्री जेड माइनस। दिस रिप्रेजेंट z ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस थ्री टू पावर के माइनस वन प्लस टू टू पावर के माइनस वन। दिस रिप्रेजेंट, क्योंकि इसका सीक्वेंस यही है, बट यहां एक कंडीशन है, वैल्यू ऑफ k इज लेस आर इक्वल टू जीरो, लेस आर इक्वल टू जीरो, उसी केस में यह सीक्वेंस रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट जेड इनवर्स ऑफ वन अपॉन जेड माइनस थ्री, आपको एक्चुअल में इनवर्स निकालना है उस रीजन में, जेड इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू जेड इनवर्स ऑफ जेड माइनस थ्री टू पावर के माइनस वन प्लस टू टू पावर के माइनस वन एंड दिस बी इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री टू पावर के माइनस वन प्लस टू टू पावर के माइनस वन। किस केस में, तो के इज लेस आर इक्वल टू जीरो, यही आपका ये कंडीशन एग्जिस्ट किया। सो ये चीज आपको जो है पहले रीजन में आपको बताई जा चुकी, कैसे इन चीजों को आप अरेंज करेंगे, कैसे इनको आप बताएंगे। तो यहां पर आपको अपनी मेमोरी का ज्यादातर यूज करना है, यहां पर आपका ये एक्सपेंशन मिल गया, इस एक्सपेंशन को आपको जेड ट्रांसफार्म की डिफिनेशन के बेसिस पर समेशन के फॉर्म का लिखना है। समेशन का फॉर्म आपको यहीं से क्लियर समेशन में लिखा जाएगा। अब जेड न्यूमिनेटर में है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ के इज निगेटिव, कॉन्स्टेंट टर्म अपीयर, इट मीन्स कि दिस समेशन गोज अप टू जीरो। सो दिस पार्ट, जेड का पावर हमेशा जेड ट्रांसफार्म में निगेटिव होगा, सो इट विल बी जेड पावर माइनस के, और जब के निगेटिव तो के की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। फर्दर उसी तरीके से ये दूसरे वाला भी केस बना, हमारा दोनों ही समेशन में हमारी लिमिट सेम है, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू के इक्वल टू जीरो, सो इट विल बी कॉमन एंड दिस विल बी इन दिस फॉर्म, और ये प्रोसीड हो गया और यहां से ये सीक्वेंस आपको मिल गया। तो दिस इज द केस फर्स्ट, ये फर्स्ट केस था जहां हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से इसके सीक्वेंस को ऑब्टेन करना है। नाउ अब हम अपने सेकंड केस पे जाते हैं। सेकंड केस, केस सेकंड, किस सेकंड है आपका, टू इज लेस देन मैग्नीट्यूड जेड इज लेस देन थ्री। ध्यान दीजिएगा कि इस केस में आपको क्या करना है, तो वन अपॉन फंक्शन है आपका जेड माइनस थ्री जेड माइनस टू, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपने ऑलरेडी कर रखा है, दैट इज जेड माइनस थ्री वन अपॉन जेड माइनस। अब आप अपने इस रीजन में आए तो पहले चीज देखिए, यहां पर फर्स्ट टू इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ z, यानी हम पहले रीजन की बात करें तो पहला रीजन हमारा ये कहता है कि जो टू है वो z से छोटा है, यानी जहां पर आपके इस फ्रैक्शन में टू आया है वहां z वाली वैल्यू ग्रेटर है। इट मीन्स कि जहां टू है
वहां से अब हमको ग्रेटर क्या है जेड, तो जेड को कॉमन करना होगा. एंड द सेकेंड रीजन इज थ्री, एंड थ्री इज के केस में आपका मैग्नीट्यूड जेड इज लेस देन थ्री, तो जहां थ्री है वहां हमको कॉन्स्टेंट टर्म को कॉमन करना होगा. सो यहां पर हम आते हैं, थ्री को यहां कॉमन करिए क्योंकि दो रीजन है, टू इज लेस देन मैग्नीट्यूड जेड, यानी यहां से हम जेड कॉमन करेंगे क्योंकि जेड यहां पर ज्यादा हो रहा है, और जो सेकंड रीजन है वहां थ्री इज कॉन्स्टेंट ज्यादा हो रहा है तो हम यहां से कॉन्स्टेंट बाहर करेंगे. तो वन अपॉन थ्री कॉमन हो गया, तो जेड बाई थ्री माइनस वन माइनस ऑफ वन अपॉन जेड वन माइनस टू अपॉन जेड. सो आप एक्सपेंशन में ये जानते हैं वन माइनस होता है, तो यहां से माइनस साइन कॉमन कर लें, तो माइनस ऑफ वन अपॉन थ्री वन माइनस जेड अपॉन थ्री, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे रह जाएगा जेड. सो माइनस वन अपॉन थ्री वन माइनस जेड अपॉन थ्री टू पावर माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ वन अपॉन जेड वन माइनस टू अपॉन जेड पे पावर माइनस. एक्सपेंड दिस सीरीज 1 by 3, 1 plus z by 3 plus z square upon 3 square and so on minus 1 upon z 1 plus 2 upon z 2 ka square upon z square and dot dot dot. ये आपको सीरीज एक्सपेंशन मिला. नाउ इसको हम देखें अब कैसे इसको लिखते हैं. तो वन अपॉन जेड माइनस थ्री जेड माइनस टू दिस बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री जेड अपॉन थ्री स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन थ्री क्यूब प्लस एंड सो ऑन एंड माइनस वन अपॉन जेड प्लस टू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब एंड सो ऑन. बी केयरफुल, जो पहला पार्ट है इस एक्सपेंशन का वो ठीक वही पहला पार्ट ही है जो आपका पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको मिला था. तो हम पहले वाले को डायरेक्ट लिख देते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, पीछे अभी आपको बताया था मैंने. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू के इक्वल टू जीरो थ्री टू पावर वन बाई थ्री माइनस के प्लस वन जेड पे पावर माइनस ऑफ के. यहां k की वैल्यू निगेटिव होगी क्योंकि पहले वाले सीरीज एक्सपेंशन में वैल्यू ऑफ z इज द डिग्री ऑफ z इज इन द न्यूमिनेटर. बट जब सेकेंड पार्ट है वहां देखें कि वैल्यू ऑफ z एग्जिस्ट इन द डिनोमिनेटर एंड देयर नो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म. इट मीन्स कि दिस समेशन स्टार्टेड फ्रॉम k इक्वल टू वन टू k इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, z पे पावर माइनस ऑफ k. अब हम सीक्वेंस की बात करते हैं, यानी जब k इक्वल टू वन तो सीक्वेंस का पावर हमको क्या होना चाहिए, जीरो, तो दैट इज टू टू पावर k माइनस वन टू टू पावर k माइनस वन, ठीक है. जब यहां वन रहेगा 2 टू पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, व्हेन इट विल बी 2 तो 2 माइनस 1 दैट इज 2, एंड व्हेन इट विल बी 3 तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन. तो ये चीज आपको यहां मिलेगी. अब यहां ध्यान दें कि जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों ही समेशन को हमने एक साथ लिख दिया था क्योंकि दोनों में ही जो समेशन की लिमिट थी वो सेम थी,
बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये डिफरेंट है। k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से k इक्वल टू जीरो, वन अपान थ्री टू पावर k माइनस वन जेड टू पावर माइनस k, माइनस k इक्वल टू वन से k इक्वल टू इन्फिनिटी टू टू पावर k माइनस वन जेड टू पावर माइनस ऑफ k। सो ये आप लिख सकते हैं बाय डिफिनिशन कि जेड ट्रांसफार्म ऑफ, किसका जेड ट्रांसफार्म, कौन से सीक्वेंस का जेड ट्रांसफार्म, तो यही आपका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आप लिख सकते हैं 3 टू पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो k माइनस वन। किस केस में, तो फॉर k इज लेस आर इक्वल टू जीरो एंड द सेकेंड माइनस टू टू पावर k माइनस वन व्हेन k इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपका सीक्वेंस मिला, जेड ट्रांसफार्म इस सीक्वेंस का ये होगा। सो जेड इनवर्स ऑफ वन अपॉन जेड माइनस थ्री जेड माइनस टू इन दिस रीजन, इसमें जेड जेड इनवर्स होगा तो इट विल बी थ्री टू पावर के माइनस वन when k is less or equal to 0 and this be minus 2 to power k minus 1 when k is greater than 0 and this is the required sequence। तो ये आपको इस तरीके से अपने मेमोरी में इस चीज को रखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट विल बी क्रिएट प्रॉब्लम। यहाँ भाई ये चीज आपको अपने मेमोरी में रखना बहुत जरूरी है। आपको इस समेशन जो एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन को समेशन के फॉर्म का लिखना है, क्योंकि अब तक जो चीजें आप कर रहे थे वो आपका था कि समेशन को एक्सपेंड कर रहे थे, बट यहां जो है एक्सपेंशन को समेशन के फॉर्म का लिखना है। नाउ वी कम ऑन द केस थर्ड, केस थर्ड का कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो दिस इज द केस थर्ड। केस थर्ड, तो ये ऑलरेडी आपको गिवन है z माइनस थ्री जेड माइनस टू एंड ये आपको दिया गया है z माइनस थ्री वन अपॉन जेड माइनस टू, ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन से इक्वेशन टू ऑलरेडी आपके पास है। केस थर्ड आपका है कि मैग्नीट्यूड z इज ग्रेटर देन थ्री। अब इस केस को ध्यान दें तो हमारा क्या ज्यादा हो रहा है, z value of z is greater than 3, तो it means कि आपको अपने इस given जो भी function है जो partial fraction से आपने break कर लिया है वहां से क्या common होगा z, so 1 upon z minus 3 z minus 2 1 upon z common कर लें यहां से 1 minus 3 upon z minus 1 upon z common कर लें यहां पर 1 minus 2 upon z and this be equal to 1 upon z 1 minus 3 upon z to power minus of 1 minus 1 upon z 1 minus 2 upon z to power minus of 1 and by binomial expansion expand this series we have 1 upon z 1 plus 3 upon z plus 3 square upon z square and so on माइनस ऑफ वन अपॉन जेड वन प्लस टू अपॉन जेड प्लस टू का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आपको सीरीज एक्सपेंशन मिला। अब इस सीरीज एक्सपेंशन को आपको समेशन के फॉर्म का लिखना है, तो समेशन के फॉर्म का ये कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान दें पहले तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, क्योंकि एक जेड हमारा बाहर है उसको भी इनसाइड दिस सीरीज ले जाएं, तो इट विल बी वन अपॉन जेड प्लस थ्री अपॉन जेड स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब एंड सो ऑन माइनस ऑफ वन अपॉन जेड प्लस टू अपॉन जेड जेड स्क्वायर
टू का स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब प्लस डॉट 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 एंड देन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ समेशन. तो समेशन में ध्यान दें कि लिमिट क्या होगी. ऑल दिस जेड एग्जिस्ट इन द डिनोमिनेटर एंड देयर इज नो कॉन्स्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन. सो समेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू इन्फिनिटी एंड जेड का पावर माइनस ऑफ k. अब यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, सो डेफिनेटली इट्स सीक्वेंस इज 3 टू पावर k माइनस 1. When we substitute k equal to 1, 3 to power 0, that is 1. When we substitute k equal to 2, 2 minus 1, that is 1, 3. And when is k equal to 3, so 3 minus 1 is 2, 3 square. Similarly, second part is also k equal to 1 to k equal to infinity, 2 to power k minus 1, z to power minus of. यहाँ पर भी देखें तो दोनों ही समेशन की जो लिमिट है, लिमिट इज सेम. तो जब लिमिट सेम है हमारी, तो हम क्या करेंगे कि इस समेशन को एक साथ लिख सकते हैं, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू इन्फिनिटी 3 टू पावर k माइनस 1 माइनस ऑफ 2 टू पावर k माइनस 1 जेड टू पावर माइनस ऑफ k. आपका जब ये पार्ट हो गया तो ये कहां पर एग्जिस्ट करेगा, तो यहां ये क्लियर है कि ऑलवेज वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 0, k की ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, उसके लेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो z इनवर्स ऑफ 1 अपॉन z माइनस 3 इंटू z माइनस 2 दिस बी इक्वल टू, जब इसका z इनवर्स लेंगे तो ये z ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी z इनवर्स ऑफ ये आपका z ट्रांसफॉर्म किसका है, तो 3 टू पावर k माइनस 1 माइनस ऑफ 2 टू पावर k माइनस 1 एंड दिस बी इक्वल टू 3 टू पावर k माइनस 1 माइनस ऑफ 2 टू पावर k माइनस 1 फॉर k इज ग्रेटर देन 0. तो ये आपके तीनों ही केस, तीनों ही रीजन के केस में आपका ये एक्सपेंशन है जिसको आपको इस तरीके से करना है. आपको अपनी मेमोरी में इस चीज को हमेशा मेंटेन रखना है कि आपको जेड उस एक्सपेंशन में देखना है कि जेड आपका न्यूमिनेटर में है कि जेड आपका डिनोमिनेटर में है. यदि जेड न्यूमिनेटर में है, इट मीन्स की वैल्यू ऑफ के इज नेगेटिव, एंड व्हेन जेड एग्जिस्ट इन द डिनोमिनेटर, इट मीन्स की वैल्यू ऑफ के इज पॉजिटिव. कॉन्स्टेंट टर्म वहां अपीयर होगा जिसके साथ वो कांस्टेंट आया रहेगा, यानी k इक्वल टू 0 का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट आर नॉट. तो यदि कांस्टेंट केवल कांस्टेंट है, वहां देयर इज नो वैल्यू ऑफ z इन द न्यूमिनेटर और इन डिनोमिनेटर, देन दैट इज टर्म इज कांस्टेंट और वो जो है आपका k इक्वल टू 0 के केस में एग्जिस्ट करेगा. तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इनवर्स का बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन. इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट मेथड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ओके, थैंक यू.